एरिया भाई, ये देखो छोटे छोटे घर बना रखे हैं और कूड़ा कचरा इधर इकट्ठा कर रखा है। रोडों पे भी कूड़ा थोड़ा बहुत पड़ा है। तो भाई कुछ ऐसे अपना कूड़ा वगैरह भर के ले जा रहे हैं, ऐसी गाड़ियां आती हैं और ये पूरा ट्रैम का ट्रैम जाता है। और भाई यहाँ पे होमलेस मिल जाएंगे, काफी सारे होमलेस मिल जाएंगे। ये बैठे इधर इतने छोटे छोटे कमरे बना रखे हैं, जैसे लेबर रहती हो यहाँ पर। भाई बहुत ही पुराना घर है। हेलो नमस्कार दोस्तों, अनादर ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो मैं आ गया हूँ मलेशिया के जॉर्ज टाउन में। ये है मलेशिया का जॉर्ज टाउन, जो कि है ये आइलैंड पर, और आइलैंड का नाम है पेनांग आइलैंड। पेनांग आइलैंड भाई ये फैला हुआ है 295 स्क्वायर किलोमीटर में, जिसकी पॉपुलेशन अराउंड 800,000 है, 794,000 है। मतलब कि ये 2020 का डेटा था, पर 800,000 के आसपास है भाई साहब यहाँ की पॉपुलेशन जो है। तो यहाँ पर जो फेमस है वो है आर्ट स्ट्रीट, तो वहाँ चलते हैं, वो दिखाता हूँ आपको, और यहाँ की दिखाता हूँ मार्केट वगैरह में आपको। कुछ ऐसे यहाँ पर घर हैं भाइयों, और कुछ तो काफ़ी पुराने घर हैं यहाँ पर। और इधर देखो, ये इन्होंने टीन सेट का बना रखा है, यहाँ पर लिख रखा है कंप्यूटर रिपेयरिंग शॉप्स वगैरह खोल रखी हैं। इधर ये वैसा लगा रखे हैं, सामने टीन सेट डाल रखा है। और ये वाला देखो, ये घर कितना पुराना है। आई वॉन्ट टू शो यू हियर आई हाइड। ये देखो भाई, बिल्डिंगें हैं कुछ बढ़िया डेवलप्ड, और कुछ वैसे रोड वगैरह काफ़ी डेवलप्ड है यहाँ पर। ये ऐसे कुछ घर होते हैं इनके, ये पुराना है, काफ़ी पुराना लग रहा है मेरे को, और टूटा हुआ है सारा। नीचे की दुकान वगैरह भी खाली पड़ी है सारा। और ये दुरिन वाकिन पुलाव, ये यहाँ पर बहुत फेमस है फल जो है हर जगह, चाहे थाईलैंड हो गया या मलेशिया हो गया। तो ये रेस्टोरेंट भाई, यहाँ से कुछ खाते हैं, इनसे पूछते हैं अंडा वगैरह कि चावल मिल जाएगा क्या। ऐसे रेस्टोरेंट होते हैं भाई यहाँ पर, रोड पे बने होते हैं, टीवी लगा रखे सामने, वो बना रखा है। हेलो, फ्राइड राइस विद एग, नहीं नहीं विद एग, एग एग यस भाई। मैंने कराई है एक ड्रिंक, जो कि है दूध और चाय के साथ, जो कि है 1.5 रिंगिट की, और फ्राइड राइस कराए हैं जो है 5.5 रिंगिट के, महंगे हैं यहाँ पर। बाकी ठीक है, वो कर रहे हैं तैयार, बैठते हैं इधर। ये आ गया भाई फ्राइड राइस 5.5 रिंगिट का भाई। ये देखो थोड़ा सा दिया है, और ये कोल्ड ड्रिंक दी है जो दूध और चाय पत्ती की है भाई। नाश्ता करके मज़ा आ गया। जो नाश्ता हुआ था मेरा हुआ भाई 7 रिंगिट, जिसमें अपना 5.5 रिंगिट का था फ्राइड राइस और 1.5 रिंगिट का था ड्रिंक, तो 7 रिंगिट हो गया। 7 रिंगिट होता है आपका 120 के आसपास, 120 रुपये बने, मतलब सस्ता है भाई। मलेशिया में खाना थोड़ा सस्ता है, जैसे मैंने कंबोडिया में खाया था, मैंने बताया कंबोडिया में सबसे सस्ता होगा साउथ ईस्ट एशिया में, पर यहाँ सस्ता है। वहाँ पर मैं $2 में अपना जूस लेता था, जिसमें $1 का अपना फ्राइड राइस होता था और $1 की वहाँ पर जूस होता था। $2 मतलब 160 के आसपास होता था वहाँ पर, और यहाँ 7 रिंगिट है। कहीं सस्ता भी है इससे, कहीं 4 रिंगिट में मेरे को कल मैंने खाया, 4 रिंगिट में मिल गया था जो फ्राइड राइस अपना अंडे के साथ। कहीं सस्ता है, कहीं महंगा है। और कुछ ऐसे एरिया भाई, ये देखो छोटे छोटे घर बना रखे हैं और कूड़ा कचरा इधर इकट्ठा कर रखा है। रोडों पर भी कूड़ा थोड़ा बहुत पड़ा है, बाकी रोड वगैरह काफ़ी सही है। और क्या नाम है आपका, वॉकिंग स्ट्रीट वगैरह भी बना रखा है। कुछ इलाके थोड़े वैसे हैं, कुछ इलाके वैसे हैं। और ये जो आइलैंड है पेनांग आइलैंड, ये मलेशिया का चौथा सबसे बड़ा आइलैंड है। पहले आता है बंगी आइलैंड, फिर आता है ब्रिट आइलैंड, ब्रिट आइलैंड के बाद आता है लंकावी के बाद ये पेनांग आइलैंड आता है, जो कि सबसे बड़ा है यहाँ पर मलेशिया के अंदर। तो आगे चलते हैं सीधा आर्ट स्ट्रीट पर, आर्ट स्ट्रीट दिखाता हूँ। आर्ट स्ट्रीट क्या है, एक तरह से काफ़ी सारी पेंटिंग बना रखी हैं, बहुत सारी पेंट बना रखी है पूरे स्ट्रीट पर, तो दिखाता हूँ, फिर आपको मार्केट दिखाता हूँ। तो ये देखो भाई, कुछ ऐसे अपना कूड़ा वगैरह भर के ले जा रहे हैं, ऐसी गाड़ियाँ आती हैं और ये पूरा ट्रैम का ट्रैम जाता है। और छोटे छोटे घर बना रखे हैं पीछे, देखो ये टीन सेट बना रखे हैं। मतलब गरीबी तो यहाँ भी है भाई, ऐसा नहीं है कि गरीब नहीं है, मलेशिया के अंदर भी गरीब टाउन है। ये छोटा सा टाउन है, जो कि पूरा वैसा है, छोटे छोटे घर बना रखे हैं, थोड़ा सा डेवलप्ड है, थोड़ा बड़ा सा बना रखा है, और भी पीछे एरिया है। ये देखो ऐसे रहते लोग यहाँ पर, ये पीछे वाला घर देख रहे हो आप, ये है। इधर देखो भाई, रोड पे ऐसे आपको कचरा मिल जाएगा, ये कचरा रखा है, गाड़ी आएगी ले जाएगी, और डस्टबिन भी मिल जाएंगे।
और भाई यहाँ पे होमलेस मिल जाएंगे, काफ़ी सारे होमलेस मिल जाएंगे, ये बैठे इधर। हेलो, इतने छोटे छोटे कमरे बना रखे हैं जैसे लेबर रहती हो यहाँ पर। भाई बहुत ही पुराना घर है, 1970 के आसपास का लग रहा है मुझे तो, 50 साल से ऊपर ही हो गया होगा इसको, और अभी भी लोग रह रहे हैं इसमें। पीछे का बर्तन वगैरह रखे हैं और कुछ बिल्डिंग नई भी बना रखी हैं। देखो इधर पीछे पुरानी, कुछ पुरानी बिल्डिंग है, कुछ नई बिल्डिंग है, दोनों मिक्स कर रखी हैं, मतलब इतना डेवलप नहीं है। घर मकान तो यहाँ पर पुराने हैं और कुछ नए हैं, तो नए एरिया जो है वो दिखाता हूँ मैं आपको आगे चल के। इधर की देखो ये मार्केट स्ट्रीट है, और यहाँ पर भाई ये टोपे वगैरह बेच रहे हैं, चश्मा बेच रहे हैं, और कुछ वैसे अपने बच्चों के चाबी वाबी के लॉक जो होते हैं, छल्ले वल्ले वैसे बेच रहे हैं। यहाँ पर ये देखो छोटे छोटे फ्रेम में आर्ट के वो बिल्ली के वो बेच रहे हैं, काफ़ी दुकानें हैं। और ये देखो भाई पुराने पुराने घर हैं, सारे टीन सेट वगैरह पुराने हो रखे हैं, गाड़ियाँ देखो बड़ी बड़ी हैं और वैसे बना रखे हैं। सामने एक छोटा सा कैफ़े है, लाइन क्लियर बिस्ट्रो, लाइन क्लियर बिस्ट्रो, और देखो कितना पुराना कैफ़े है, ऊपर का तो टूटा पड़ा है, झरझर हो रखा है। आगे चलते हैं, और यहाँ पर भाई रिक्शे वगैरह भी चलते हैं, जैसे आपने होइयान में देखे होंगे, जब मैं वहाँ वियतनाम के होइयान में था वहाँ पर काफ़ी टूरिस्ट ये रिक्शे पर चलते थे, यहाँ भी रिक्शे पर आते हैं टूरिस्ट। और ये स्ट्रीट यहाँ से स्टार्ट हो जाती है जो पेंट वाली स्ट्रीट है, आर्ट वाली स्ट्रीट। इधर भी काफ़ी टूरिस्ट हैं भाई, काफ़ी टूरिस्ट आते हैं देखने के लिए आर्ट वगैरह, और ये वैसे ये पूरा मार्केट है, पूरा बाजार है, और बहुत ही पुराने मकान है यार ये। और इधर देखो बच्चों के लिए एक वो है ड्रैगन टाइप का। ये पूरा स्ट्रीट ऐसा है जैसे अपना, आपने होइयान वाली वीडियो देखी होगी मेरी, होइयान में जो मार्केट है पूरा, जो पुराना फ्रेंच आर्किटेक्चर है, फ्रेंच आर्किटेक्चर में छोटी छोटी दुकानें बनी हुई हैं, वैसा ही यहाँ पर है सिस्टम, पूरी छोटी छोटी दुकानें हैं, पूरा मार्केट बना रखा है, काफ़ी टूरिस्ट आ रखे हैं। यहाँ पर भाई नारियल पानी मिल रहा है, यहाँ बैग बेच रहे हैं, नारियल पानी है, और ये वाला फल है जो कि हर जगह मिल जाएगा आपको, थाईलैंड में, कंबोडिया में, वियतनाम में। ये देखो भाई ये फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, ये साइकिल लगा रखी है और वो बना रखा है, आर्ट बना रखा है जो कि काफ़ी फेमस है यहाँ पर, और कुछ कुछ जगह पर ही है ऐसे, जैसे इन्होंने लगा रखा है यहाँ पर एक साइकिल है और उस पर दो बच्चों की पेंट बना रखा है, उस पर ही साइकिल लगा रखी है, मतलब एक क्रिएटिव वो बना रखा है दीवार पर, बहुत ही ज़बरदस्त। आगे चलते हैं, काफ़ी लोग आ रहे हैं भाई फ़ोटो खिंचा रहे हैं साइकिल के साथ और पेंट के साथ, थोड़ी पुरानी हो गई है फोन, दोबारा से बना दिया जाएगी बाद में। ये एक्चुअली में भाई काफ़ी पुराना टाउन है, 1786 में पहली बार इस आइलैंड की खोज हुई, जो कि की थी फ्रांसिस लाइट नाम का एक बंदा था, उसने इसकी खोज करी थी, उसी ने यहाँ पर एक फोर्ट बनवाया है, फोर्ट कान्हा वेल्स। फोर्ट कान्हा वेल्स पर जहाँ पर काफ़ी ट्रूप्स आए, जापानीज ट्रूप, ब्रिटिश ट्रूप्स, तो वो उसकी पहचान जब ही हुई थी 1786 में, जब से ये थोड़ी बहुत कॉलोनी वगैरह बननी स्टार्ट हुई यहाँ पर, काफ़ी पुराने मकान जो दिख रहे हैं उसी की वजह से दिख रहे हैं, ये पुराने हैं, कुछ नए हैं, कुछ डेवलप्ड हुए हैं, कुछ नई बिल्डिंगें भी बनाई गई हैं, और कुछ रेस्टोरेंट वगैरह बने हुए हैं ये, जो कि हर टाइप के बना रखे हैं। मेन एरिया है, और मेन एरिया के अंदर भाई ऐसे ये इंडस्ट्री टाइप की बना रखे हैं, ये दुकानें खोल रखी हैं, और ये इधर झोंपड़ी सी डाली हुई हैं भाई। ये देखो भाई ये कितना पुराना कैफ़े है यार, इस पर पता नहीं क्या ये चाइनीज़ में लिखा है, जैपनीज में लिखा है, समझ नहीं आ रहा, बहुत पुराना कैफ़े है यार, और बहुत पुरानी बिल्डिंग है। ये देखो इधर पूरा जर्जर हो रखा है, और उसका बना हुआ है टीन सेट का बना हुआ है, टीने लगा रखी हैं भाई ये अपनी, टीनों से बना हुआ है, और यहाँ पर लिखा है मिंगज़ियांग ताई पेस्ट्री शॉप, चाय वगैरह मिल जाएगी, पेस्ट्री जो अपने होते हैं फैन वगैरह वैसे मिल जाएंगे। ये इधर की बिल्डिंग देखो, ये तो पूरी भाई टूटी पड़ी है, और ये तो यहाँ की, ये वाला तो खुला हुआ सा दिख रहा है गेट, और ये वाला तो बिल्कुल बंद है भाई, कैफ़े वगैरह होगा यहाँ पर पहले ना कोई, यहाँ पे चाय वाय की दुकान जो कैफ़े वगैरह होते हैं वैसा होगा, और ये वाला देखो भाई पूरा ही टूटा हुआ है, ऐसे ऐसे मकान भी हैं जो बिल्कुल ही ख़त्म हो रखे हैं, और भाई यहाँ पर टीन सेट लगा रखी है, ये टीन की वो लगा रखी है, बाउंड्री सी कर रखी है, ताकि काऊ के ऊपर किसी के ऊपर गए ना मकान वगैरह, और किसी का चोट वगैरह ना आए। ये देखो भाई
कितना पुराना, पेड़ वगैरह हो गए पड़े हैं बहुत ज्यादा, और यहाँ पर लोग रह भी रहे हैं। इसके अंदर ये देखो सामने गेट है, इसके अंदर रह भी रहे हैं, ऐसे रहते हैं भाई यहाँ पर इस आइलैंड पे लोग। भाई बेंच वगैरह डाल रखी है, टेबल वगैरह डाल रखी है, लोग रह रहे हैं अंदर। पहले कैफे वगैरह या कुछ वैसा होगा यहाँ पर बना रखा होगा। यहाँ पर देखो भाई इन्होंने ट्रिब्यूट वॉल बना रखी है, मतलब कि श्रद्धांजलि देने के लिए। ये मोहम्मद हिब्दुल मलिक सारी है और इजातुल अखमावान इब्राहिम ऑफ द वर्ल्ड, मतलब सबकी आवर फैलन हीरोज फ्री फायर फाइटर, ट्रिब्यूट टू द मोहम्मद फतेह हसीम यहया हली, इनको भाई पूरा ट्रिब्यूट के लिए दे रखा है, आर्ट बना रखी है। ये देखो भाई कुछ एरिया काफ़ी डेवलप्ड हैं, जैसे ये सामने वाली बिल्डिंग है पुरानी पर काफ़ी ज़बरदस्त बना रखी है। इधर का ये रोड वगैरह हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, काफ़ी खूबसूरत है। कुछ एरिया तो काफ़ी ज़बरदस्त हैं, और जैसे ऐसे सामने भी एक थोड़ी सी पुरानी बिल्डिंग है, तो अच्छी बिल्डिंगें भी हैं पुरानी बिल्डिंगें भी हैं, सब तरह की बिल्डिंग है यहाँ पर भाई। तो आगे चलते हैं इधर, ये देखो कितना डेवलपमेंट है, ये फुटपाथ बना रखा है काफ़ी खूबसूरत, रोड बना रखे हैं, गाड़ियाँ लाइन में खड़ी हुई हैं, इधर ये खड़ी हुई है रोड पर ही, और सामने एक मस्जिद टाइप की बनी हुई है, ये शायद मस्जिद है या कुछ और है पता नहीं, वो तो मस्जिद है शायद ये यहाँ की। ये भाई यहाँ खेलने का मैदान हुआ करता था, अभी तो सारा टूटा वूटा पड़ा है, वहाँ पुरानी साइकिल टूटी फूटी कबाड़ा सी साइकिल पड़ी है, एक उधर भी चैन में बांध रखी है, और पीछे देखो वो लोग काम कर रहे हैं। ये जाली बना रखी है, नेट बोलते हैं जो नेट है, और यहाँ पर वॉलीबॉल वगैरह खेलते होंगे, अभी तो सारा टूटा पड़ा है, ये बेंच वगैरह टूटी पड़ी है सारा कुछ। और इधर का ये रोड है, स्ट्रीट है, छोटा सा मतलब गली है, गली के अंदर ये देखो ये छोटा सा टीन का घर है, और एसी देखो कितने लगा रखे हैं भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एसी लगा रखे हैं, 2 3 ऊपर है और 9 तो नीचे ही नीचे लगा रखे हैं। ये मैं उधर की तरफ ही आ गया जहाँ से स्ट्रीट शुरू हुई थी, जो मैंने छोटा कैफे बताया था, मुझे लाइन क्लियर विस्ट्रो कैफे है, बहुत पुरानी बिल्डिंग है, उसके सामने ये रिक्शे वगैरह लगे हुए थे। और ये इधर का टेंपल देखो यार, ये जो मंदिर है काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, लेबू कैनन, ये जो स्ट्रीट है जो रोड है, रोड का नाम लेबू कैनन है। और ये देखो भाई सामने मंदिर कितना ज़बरदस्त बना रखा है, काफ़ी पुराना लग रहा है पर डिज़ाइन काफ़ी ज़बरदस्त है। काफ़ी पुराना टाउन है यहाँ पर भाई, फ्रेंच का, उनका जो फ्रेंच आए थे, फ्रेंच इन्वेडर्स ने यहाँ पर राज किया, फिर बाद में यहाँ पर उन्होंने जो फ्रांसिक लाइट था उसने यहाँ पर किला बनाया, किले से फिर बाद में ब्रिटिशर्स आए, जापानी ट्रूप्स आए, उन्होंने हमला हमला किया होगा, और तभी की ये कॉलोनियाँ बनी हुई हैं। कुछ पुरानी हैं बहुत ज़्यादा, कुछ अभी थोड़ी बहुत नई बनी है, ज़्यादातर तो पुरानी बिल्डिंग है, पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसा कि होयान में था फ्रेंच आर्किटेक्चर, वैसे सेम सिमिलर जैसा ही लग रहा है, मिलता जुलता बना हुआ है, बाकी खूबसूरत है। तो ये था भाइयों पीछे जो था आर्ट स्ट्रीट, चित्रकलाएँ वगैरह जो बना रखी थी दीवारों पर, तो इसी के लिए फेमस है पूरा एरिया। तो वहाँ से अब मैं निकल के जा रहा हूँ मार्केट की तरफ, तो आपको मार्केट वगैरह दिखाता हूँ, मार्केट में क्या क्या मिलता है, लोग यहाँ पर क्या क्या खाते हैं, तो सारी चीज़ दिखाता हूँ, लेट्स गो। अभी शाम हो गई है और जो नाइट मार्केट है भाई ये इधर ही है, मेरा हॉस्टल पीछे है, हॉस्टल के जस्ट सामने थोड़ा सा वॉक करेंगे 100 मीटर तो यहाँ से नाइट मार्केट वगैरह स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ पर भाई काफ़ी सारे स्टॉल हैं और काफ़ी तरह के खाने खाते हैं लोग। कल रात को मैं देखा था, मैं आया था खाने के लिए, जब देखा था तो दिखाता हूँ आपको, ये देखो कितनी भीड़ लगी हुई है भाई अभी से, और शाम हो गई है, और यहाँ से अपना यहाँ के टाइम में और इंडिया के टाइम में 2.5 घंटे का फ़र्क है भाई, 2.5 घंटे का। थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस में 1.5 घंटे का फ़र्क था, पर यहाँ पर 2.5 घंटे का फ़र्क है। अभी यहाँ हो रहे हैं 7 और इंडिया में हो रहे हैं 4:30, यहाँ 7 बज गए हैं और इंडिया में 4:30 बज रहे हैं अभी। देखो भाई सारे खाने से लगे हुए हैं, ये सामने हैं डुरियन प्लानेट, और ये इधर डेजर्ट ओल्ड टाइम डे लाइट शॉप, दिखाता हूँ आपको क्या क्या खा रहे हैं लोग यहाँ। ये देखो भाई ये सामने रखा है आइसक्रीम वगैरह वो खा रहे हैं, और इधर चिकन वगैरह के आइटम वगैरह हैं, और इधर देखो भीड़ लगी हुई है इसके ऊपर, ये है चिकन के आइटम है कुछ वैसे, ये देखो भाई चिकन है, सुअर है, पता नहीं क्या है, स्मेल आ रही है। आगे जाते हैं, वो सामने नाइट मार्केट है, काफ़ी बड़ी मार्केट है, तो उसको दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर ये खाने से लगे हुए हैं भाई, चिकन का आइटम चावल के साथ, और ये बना रहे हैं भाई सब अंडे के साथ, अंडा है और
आपका पाद थाई कड़ा, पाद थाई होता है ना, पाद थाई जैसा ही है, नूडल टाइप का वैसा जो रहता है। और ये भाई साहब है यहाँ पर चाउमीन बना रहे हैं। हेलो, चाउमीन वेज चाउमीन, वेज चाउमीन या पनीर चाउमीन, तोफू, 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 ओके, तोफू है और अंडे हैं, पोटैटो, तोफू, एग, ओके, थैंक यू। आगे चलते हैं, वो नाइट मार्केट दिखाता हूँ आपको। तोफू है भाई, अंडा है और पोटैटो वगैरह, आलू वगैरह लगा रखे हैं उन्होंने, आलू वगैरह से बना रहे हैं। और ज़्यादातर तो नॉन वेज ही खाते हैं यहाँ पर ना, यहाँ शुगर कम चलता है, पर यहाँ पर जो है ना कस्टमर बाहर के आते हैं थाईलैंड के और वैसी दूसरी जगह के, तो उसकी वजह से शुगर किसी किसी दुकान पर मिल जाता है। वैसे तो मुस्लिम कंट्री है, शुगर वगैरह चलता नहीं है, पर यहाँ कुछ कुछ दुकान देखी है मैंने, यहाँ पर शुगर भी मिलता है। और एक ये कॉर्नर है जहाँ से मैंने अपना फ्राइड राइस खाया था, जो ये ठेला लगा रखा है इन्होंने, ठेले पे यहाँ पर इनको चाउमीन वगैरह देते हैं और फ्राइड राइस वगैरह देते हैं, और वेजिटेबल है, वेजिटेरियन है। ये देखो भाई, ये लिखा है वेजिटेरियन, ढाई रिंगिट में मिलता है। मेरा जो चावल दिया था फ्राइड राइस वो रखे हैं सामने, जो दिया था मेरे को 3 रिंगिट में इन्होंने, तो इनसे ही खाते हैं बाद में। तो मैं पहले आपको दिखाता हूँ सामने वाली मार्केट। इस मार्केट का नाम है बी होई कैफ़े, बी होई कैफ़े में काफ़ी बड़ी मार्केट है यार ये, सॉरी। ये देखो यहाँ पर ये खाने से लगे हुए हैं, चावल हैं, फ्राइड राइस है और वैसी चीज़ें हैं। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है थाई कनुकी राइस और थाई सॉसेज राइस, गोल्डन पोर्क। देखो मैंने बोला था ना जब भाई शुगर भी मिल जाता है, पोर्क मतलब शुगर, काफ़ी जगह यहाँ पर शुगर भी मिलता है, थाई मतलब चंकर, और भी काफ़ी आइटम है। बहुत बड़ी मार्केट है यार ये तो, पीछे तक है यार। भाई ये कबाब दे रहे हैं 30 रिंगिट, मतलब एक जो आएगा वो 3 रिंगिट का है, बाकी पूरी प्लेट लोगे तो आप 30 रिंगिट की है। बहुत बढ़िया, यहाँ पर खा रहे हैं सारे सारे। चलते हैं भाई सामने अपना, वहीं से फ्राइड राइस खाते हैं। बाकी ये मार्केट है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, अंडे का राइस वगैरह मिल जाएगा, नूडल मिल जाएंगे, बैच में मिल जाएगा, बैच में काफ़ी कम मिलेगा, जैसे वो सामने वाली एक ठेला है उसी ठेले पे आपको बैच में मिल सकता है, बाकी तो सब पोर्क हो गया, चिकन हो गया, वैसी चीज़ें मिलेंगी यहाँ पर। भाई ये दुकान है इनकी, इनका नाम है बी थान हुआंग, तो यहाँ से इनसे कराते हैं। हेलो, वन प्लेट विद एग मिक्स, मिक्स, तो मैं चाउमीन वगैरह भाई सारी करा रहा हूँ। ये चाउमीन होगी और इधर छोटी ये पतली वाली सैमरी है, वो मोटे वाली है, और ये देखो ये मिला रहे हैं, मिक्स करके देंगे और अंडा भी देंगे। 2 रिंगिट का ये, 2 से 2.5 होगा, 2.5 रिंगिट से ज़्यादा नहीं होगा। तो यही थी भाई आज की वीडियो, मैंने आपको आर्ट स्ट्रीट दिखाया, मार्केट दिखाई, और होप यू लाइक माई वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो, कमेंट करके बताओ कैसा लगा। यही थी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।